So hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन और किरण पूरा दिन साथ में बिता दिया, जहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती गए थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे और अपनी बहुत सी नई नई और खूबसूरत यादें भी बनाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सिमरन के जो बॉस थे वो भी अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे और इस सबका क्रेडिट वो सिमरन और किरण को ही देते हैं। इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ अगले दिन सिमरन और किरण को घर पे डिनर के पहले इनवाइट करने के लिए कॉल करते हैं, जिस पे पहले तो सिमरन और किरण मना कर देते हैं पर बार बार इंसिस्ट करने पे वो दोनों हाँ कर देते हैं। रात में सिमरन और किरण मूवी देखते हैं और मूवी देखते हुए थोड़ी सी रोमांटिक बातें भी करते हैं, पर सारा दिन इतनी मस्ती और रोमांस करने के बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे, इसीलिए जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन जब सिमरन की आँख खुल जाए तो वो देखती है कि किरण उसके बगल में सो रही है। सिमरन किरण को जगाने की कोशिश करती है कि तू उठो ना बेबी, उठो ना, देखो बहुत टाइम हो गया, चलो ना हमें घूमने भी जाना है। सिमरन बहुत कोशिश करती है पर किरण नहीं उठती, तो सिमरन किरण के कान में आके कहती है, देखो मैं शावर लेना चाह रही हूँ और मैं सोच रही हूँ जब आप जगोगे फिर शावर लेना चाहोगी तो अलग अलग लोग शावर लेने जाएंगे तो बहुत पानी वेस्ट होगा, पर अगर दोनों साथ में शावर लेंगे तो कम पानी वेस्ट होगा। अब जल्दी सोचो, वॉशरूम का डोर लॉक नहीं करूँगी, आपका वेट करूँगी, हम ज़्यादा टाइम नहीं, आपके पास 5 मिनट में आना होगा। सिमरन एकदम बोल के शावर लेने चले जाती है। सिमरन अभी अपने कपड़ों को उतार ही रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता और किरण अंदर आ जाते, जिसे देख के सिमरन मुस्कुराती हो गई थी। अरे 5 मिनट की डेडलाइन थी, अब तो 2 मिनट में ही आ गए। किरण बोलती, अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकती थी मेरे साथ। सिमरन बोलती, हाँ मतलब आज के बाद आपको जगाना हो तो बस यही बोल दो कान में। हाँ किरण बोलती, चलो इतना आपकी हेल्प कर देती हूँ कपड़े उतारने में। सिमरन कहती, गंदी लड़की। किरण सिमरन के खुद ही पास चले जाते हैं और सिमरन को अनड्रेस कर देते हैं। सिमरन थोड़ा सा ब्लश करते हैं। किरण बोलती, ओ कम ऑन, इतना शर्मा क्यों रही हो, पहली बार थोड़ी आप घर से देख रहे हो। सिमरन बोलती, जस्ट स्टॉप इट ना। किरण बोलती, अच्छा सुनो। सिमरन बोलती, किरण बोलती, क्या बिना पानी के नहाना है क्या, शॉवर तो ओपन करो, ऑन करो जल्दी से। सिमरन हंसती है, सिमरन शॉवर ऑन करती है। किरण एकदम सिमरन के पास आ जाती है, दोनों शावर के नीचे थे, ठंडा ठंडा पानी इन दोनों को भिगा रहा था। तभी किरण सिमरन की कमर में हाथ डाल के सिमरन को अपने बहुत पास कर देती थी। इतना ठंडा पानी है पर मुझे सर्दी क्यों नहीं लग रही, ओह अब समझे इतनी हॉट लड़की जो पास में है। सिमरन बोलती, इतनी चीप लाइन थी। किरण बोलती, अरे कुछ चीप लाइन नहीं थी, ओके सच में पानी बहुत ठंडा है पर आप इतनी ही हॉट हो। किरण इतना बोल के सिमरन से लिपट जाती है। सिमरन बोलती, जान हम शावर लेने आए हैं। किरण बोलती, हाँ तो किसने रोका है, लो ना शावर। सिमरन बोलती, दूर हटो। सिमरन किरण को धीरे हटा दिया और खुद अपनी बॉडी पे बॉडी वॉश लगाने लगती है। अब ये देखें किरण थोड़ा हंसते रहती थी, अरे मैं हूँ ना बीबी, आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हो। किरण इतना बोल के सिमरन की पूरी बॉडी पे खुद बॉडी वॉश लगा दिया और उसको अच्छे से बॉडी पे रब करने लगती है। किरण जब सिमरन की बॉडी पे टेस्ट कर रही थी, ओह माय गॉड, सिमरन की बॉडी में तो एक करंट सा दौड़ रहा था। सिमरन काफ़ी ब्लश कर रही थी, सिमरन की सांसें बहुत ज़्यादा तेज और बहुत गर्म हो गई थी। किरण ने शावर बंद कर दिया था और वो सिमरन की पूरी बॉडी पे वॉश लगा रही थी। बॉडी वॉश अच्छे से लगाने के बाद, रब करने के बाद अब किरण शावर ऑन कर दिया और सिमरन को अपने हाथों से नहला रही थी। सिमरन इंजॉय भी कर रही थी पर हम उसके अरमान भी जाग रहे थे। यहाँ किरण का भी कुछ यही हाल था। किरण सिमरन को पूरी तरह पे होने के बाद सिमरन की होंठों पे अपने होश रखती है, जब किस करने लगती है तो शावर का पानी भी थोड़ा सा मुँह में जा रहा था, जिससे किरण थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी पर सिमरन को बहुत मज़ा आ रहा था। किरण शावर ऑफ कर दिया पर सिमरन तुरंत ही ऑन कर ले दिया। किरण बोलती, अच्छा मुझे सताने का मन कर रहे हो, इस तरह ऑफ की तो खैर नहीं है। किरण इतना बोल दिया, सिमरन को एकदम त्योहार से लगा देती है और सिमरन की मोहरे पर पूरी तरह किस करने लगती है, पूरी बॉडी
पे किरण पागलों की तरह किस करते हैं। उफ, सिमरन की सांसें, उसकी धड़कने बहुत तेज़ हो गई थी। किरण पूरी तरह से मदहोश थी और सिमरन भी। वो किरण सिमरन को किस करते हुए उसके चेस्ट पे बाइट करने लगती है। ओह माय गॉड, सिमरन की तो जान निकल जाती है। सिमरन तो जोर से चिल्लाती थी, आउच, क्या कर रही हो, कितना मुझे शीती रे मायर सुन लेंगी वो। सिमरन वो थी, आप तेरे गुरु ना, कितना मुझे अच्छा तेरे गुरु, हाँ नहीं करूँगी, क्या कर लूँगी। तो सिमरन हंसने लगती है। अब किरण एक बार फिर से सिमरन की पूरी बॉडी पर किसेस कर रही थी। किरण यू नीचे बैठ जाते हैं, सिमरन की टांग को अपने थाइस पर रखती है और सिमरन के पाँव पे, उसकी टांगों पे पाँव में ही तरह किसेस करने लगती है। सिमरन के अरमान फिर से झाँकने लगते हैं, सिमरन की सांसें फिर से तेज़ होने लगती हैं। ओह माय गॉड, किरण ने तो सिमरन की बहन बजा दी थी। थोड़ी देर में किरण यू ऊपर होती है और सिमरन को फिर से किस करने लगती है। अब ये दोनों फिर से शॉवर में आ गए थे। अब यहाँ सिमरन धीरे धीरे किरण की बॉडी को शव करने लगती है और अब किरण को नहलाने लगती है। नहाते हुए दोनों साथ साथ रोमांस भी कर रहे थे, जो कि बहुत ही था। जहाँ इन दोनों को नहाने में हाफ एन आवर भी इनफ था, वहाँ आज 2 घंटे लग जाते हैं। नहाने के बाद ये दोनों जब रूम में आते हैं तो दोनों ने ही टावल लपेटा हुआ था। और तभी रूम में आ जाती है किरण की मॉम। वो इन दोनों को देखती है, दोनों ही भीगे हुए थे और दोनों ने ही टावल लपेट रखा था। दोनों को देख के साफ लग रहा था कि ये दोनों बस अभी शावर लेके बाहर निकले हैं। तभी किरण की माँ कहती, तुम दोनों साथ में शावर लिया है क्या? किरण बोलती, नहीं माँ, सिमरन ने पहले ले लिया था और मैंने जस्ट अभी। तो सिमरन को देखती है, सिमरन भी अभी तक भीगी हुई थी। तो किरण बोलती, माँ वो दीदी का कॉल आया था, वो बोल रही थी माँ से बात कराना, मैं भी आपको कॉल मिला के देती हूँ। किरण जल्दी से मामा का माइंड डाइवर्ट करा देती है और उन्हें अपनी दीदी से बात करने के लिए बाहर छोड़ देती है कॉल मिला के। किरण बोलती, शिट, आते हो बाल बाल बचे। सिमरन बोलती, हो ना, आंटी को हम पे शक हो गया होगा। किरण बोलती, अरे नहीं मोम, इतना ज़्यादा नहीं सोचती हैं, छोड़ो, थोड़ी देर में वो खुद ही इस बात को भूल जाएंगे। सिमरन बोलती, मैं कैसे आंटी के सामने जाऊँगी, उन्हें पक्का शक हो गया कि हम दोनों साथ में चावल लेके आए हैं। शिट, किरण बोलती, सिमरन इट्स ओके मोम, इतना ज़्यादा नहीं सोचते, उन्हें वैसे भी इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो प्लीज़ चलना, ऐसा वैसा मत सोचो, ओके, एक काम करो जल्दी से चेंज कर लो, ओके। सिमरन बोलती, पक्का ना आंटी को कुछ नहीं पता चला होगा? किरण बोलती, बाबू मेरी गारंटी है, हाँ मैं बोल रही हूँ ना, शांत। किरण सिमरन को किस करते हैं, उसे रिलैक्स करते हैं, फिर उसे कपड़े निकाल के देते, इतने आज ये पहनो ना। सिमरन कहते, मुझे ये नहीं पहना। किरण बोलती, प्लीज़ ना। सिमरन बोलती, ओके। तो फिर सिमरन जल्दी से चेंज कर लेती है, किरण भी चेंज कर लेती है। सिमरन अपने बाल बना रही थी, तभी किरण उसे पीछे से हक कर लेती थी। ओह माय गॉड, जान कितनी सुंदर लग रही हो ना। सिमरन बोलती, जाना प्लीज़, अब हमें ना थोड़ा ध्यान देना होगा, पहले भी आंटी को शायद हम पे शक हो गया होगा। किरण बोलती, उफ़ो, इतना बहुत सोचती हूँ, मैंने बोला ना उनको बिल्कुल शक नहीं हुआ, हूँ शांत रहा, इतना ज़्यादा मत सोचा करो। सिमरन बोलती, फिर भी हमें ख्याल रखना होगा, अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी किरण की मामा जाते हैं, कहते क्यों दिक्कत हो जाएगी और क्या पता चलना है पेरेंट्स को। किरण एकदम से पीछे होती है, शुक्र आदि ने इन दोनों को हक किए हुए नहीं देखा था। अब वो कहती, किरण बेटा ये लो मोबाइल, तुम्हारा पता नहीं बंद हो गया, पूरी बात भी नहीं हुई। किरण बोलती, हाँ माँ वो बैटरी डाल देना। तो वो फिर से कहती है, क्या पता चलना है पेरेंट्स को। सिमरन बोलती, आंटी वो, किरण बोलती, माँ वही बात, ट्रिप वाली बात, बिजनेस ट्रिप पे जा रही है ना, इसके पेरेंट्स को पता चल गया तो वो मना कर देंगे, बस वही डिस्कस कर रहे थे। जिस पे किरण की मामा होती, क्या सिमरन तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया इस ट्रिप के बारे में, बहुत गलत किया बेटा, तुम्हें बताना होगा, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, राइट बनता है उनका। किरण बोलती, हाँ माँ यही मैं समझा रही थी, कोई बात नहीं माँ, मैं खुद ही इसके पेरेंट्स से बात कर लूँगी। उसकी मामा होती, हाँ बेटा मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगी, पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना होगा तुम्हें। सिमरन बोलती, ठीक है आंटी मैं उनसे बात करूँगी। थोड़ी देर में आंटी वहाँ से चले जाते हैं। सिमरन बोलती, देखा किरण मैं कह रही, इतना मैं ख्याल रखना होगा। किरण बोलती, ओके शान, ठीक है, श्योर, राइट, अब से हम ध्यान देंगे, ओके, अब रिलैक्स। जिस पर सिमरन भी बाहर जाती है। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ सिमरन किरण की मॉम ये दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं।
द बिगिनिंग के मोबाइल बजता है। किरण अंदर जाते हैं, उसने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया था, उसे उठाते तो उसकी दीदी का ही कॉल होता है। किरण अपनी दीदी से बात करती है और फिर मम्मा को कॉल दे देती है क्योंकि उन्हें कुछ बात करनी है। किरण की मम्मा बात करते करते अपने रूम में चले जाती है और किरण बोलती है माँ ब्रेकफास्ट तो फिनिश कर लीजिए। उसकी माँ बोलती मैंने कर लिया है, बस मुझे चाय दे देना। किरण बोलती है ठीक है माँ। अब किरण की मम्मा चले जाती है, इसलिए किरण सिमरन का हाथ थाम लेती है। सिमरन बोलती है मैंने बोला था ना पब्लिक में सब नहीं, खुले में हम नहीं कर सकते। किरण बोलती है अरे खुले में कौन है यहाँ पे, हाँ पूरा पूरा सारा घर गुस्सा है क्या, कोई भी तो नहीं है, बस हम दोनों ये मोमबियों बंदर चली गई हूँ। रैस इतना डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। बस सिमरन भी पीछे हाथ हो जाती है। सिमरन और किरण दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद घूमने फिरने के लिए बाहर चले जाते हैं। किरण अपनी मोम को कॉल करती है, कहती माँ मैं रूम में चाय देने आई थी, अब सो गई थी इसलिए मैंने बना के रख दी, अगर उठती है तो पी ली। उसकी माँ बोलती हाँ मैंने अभी चाय पी है, तुम दोनों कहाँ चले गए हो? किरण बोलती माँ वो सिमरन जाने वाली है ना तो मैं उसके साथ उसके घर जा रही हूँ। उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक है, उसके पेरेंट्स को बता देना। किरण बोलती हाँ माँ वही बताने तो आए हैं। तभी किरण कॉल कट करती है, सिमरन को बोलती चलो बहुत खा लिया आइसक्रीम, अब चलो तुम्हारे घर भी जाना है। सिमरन बोलती नहीं जाना, मोम डैड कभी अलाउ नहीं करेंगे मुझे इतना दूर जाना है के लिए, और वो भी मेरे हौस के साथ, यू नो ना पेरेंट्स की मैंटेलिटी। किरण बोलती रिलैक्स में हूँ ना, मैं बात करूँगी, चलो चलते हैं साथ में। सिमरन मान जाते हैं, लोग सिमरन के घर आ जाते हैं जहाँ सिमरन के पेरेंट्स को जैसे ही पता चलता है कि सिमरन अब रोज जा रही है, वो भी 1 मंथ के लिए, वो तो भाई सीधा ही निकाह कर देते हैं। किरण उन्हें समझा दिया, काफ़ी देर समझाने के बाद फाइनली वो हाँ कर देते हैं, पर अभी भी अंदर से वो काफ़ी डर रहे थे। किरण ने बोलती है अरे इसके बॉस की टेंशन मत लीजिए, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके अपने वाइफ के साथ लव मैरिज हुई है, वो लोग कपल बहुत अच्छे हैं, राज हम उनके घर डिनर पे भी जा रहे हैं। जिस पे सिमरन की मोम कहती है हमें वो डर नहीं है, लेकिन सिमरन को एक मर्द के साथ बाहर भेजना लोगों की मुंह थोड़ी बंद करवा सकते हैं। किरण बोलती तो आपने लोगों को बताना ही क्यों है, लोगों को क्या ही लेना देना है, सिमरन की सक्सेस के लिए ही अच्छा है, बाहर जाएगी उसके बाद इसका प्रमोशन हो जाएगा, और बाहर काम के लिए जा रही है ना, घूमने फिरने के लिए थोड़ी जा रही है, और वैसे भी सबको यही पता है कि काम के लिए बाहर हॉस्टल में रहते हैं, तो अब वही बताओ ना, कुछ और बताने की ज़रूरत ही क्या है। जिस पर सिमरन के पेरेंट्स भी एग्री कर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही सिमरन और किरण बॉस के घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ बॉस और उसकी वाइफ अच्छे से इनका वेलकम करते हैं, फिर ये लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं, बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। यहाँ सिमरन की जो बॉस थी वो सिमरन और किरण से पूछ लेती है कि तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई, प्यार कब हुआ एंड ऑल, जिस पे सिमरन एकदम चुप हो जाती है क्योंकि वो फर्स्ट मीटिंग के बताने में थोड़ा सा वो एम्बैरेस फील हो रही थी। यहाँ किरण जो है वो सिमरन का हाथ पकड़ती है और आँख से इशारा करती है छोड़ के। तभी किरण बता देती है कि सिमरन अपनी फ्रेंड के साथ मेरे सलून पे आई थी, इसके फ्रेंड को रेडी करना था और तब हम पहली बार मिले थे। ये सुनते ही सिमरन को काफ़ी अच्छा लगता है कि किरण ने एग्जैक्ट बात नहीं बताई कि मैं ही ब्राइडल मेकअप के लिए वहाँ आई थी। मैंने उसके बाद दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और अपनी पूरी लव स्टोरी शेयर करते हैं, जिसमें किरण बता रही थी कि सिमरन मेरे बीच दोस्ती हो गई थी, सिमरन को जॉब करनी थी इसलिए मेरे घर स्टे करने आई थी, हम साथ रहते थे, साथ उठना बैठना खाना पीना साथ घूमना, तो अटैचमेंट हो गई थी कहीं ना कहीं। शायद मैं तो सिमरन को पहली नज़र में पसंद करने लगी थी, पर सिमरन बहुत लेट मुझे प्यार कर रही लगी थी। जिस पर सिमरन बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस रिश्ते बनाने से डरती थी, और किरण तुम तो अच्छे से जानती हो ना मैं क्यों डरती थी। किरण सिमरन के हाथ पे हाथ रखते कहती अब भी डर लगता है क्या? सिमरन बोलती बिल्कुल नहीं, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं, आई नो इस दुनिया में हर इंसान मुझे चीट कर सकता है पर आप कभी भी मुझे चीट नहीं करोगे। ये सुनते ही किरण सिमरन के बॉस क्लैपिंग करता है कि बस यही ट्रस्ट मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ भी मुझ पे करे, जिस पे सिमरन हंसने लगते देखते यू नो व्हाट, सिर्फ कहने से कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट जीतना पड़ता है जिस तरह किरण ने मेरा ट्रस्ट जीता है। मैं बता नहीं सकती कि किरण ने कितनी मेरी हेल्प की, आई मीन किरण तब मेरे साथ खड़ी थी जब मेरे साथ कोई नहीं था, इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स भी नहीं, जब मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ नहीं दिया तब किरण ने मेरा साथ दिया, मेरे लिए वो हर किसी से लड़ गए। यू नो व्हाट, ये तो प्यार है, जब आप किसी एक इंसान के लिए पूरी दुनिया से अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे ही मैं किरण से तब प्यार नहीं करती। जिस पे अब सिमरन की बॉस की जो वाइफ होती है वो टोन काटती है, देखो किरण ने क्या क्या किया है सिमरन के लिए, कभी तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ? किरण सिमरन को जो बॉस होता है वो किरण की तरफ देखता और हाथ जोड़ के कहता तुम तो धन्य हो भाई, तुम लोगों को घर पर इन्वाइट करके ना मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, यहाँ मेरा रिश्ता ठीक करने आए हो या बिगाड़ने आए हो? किरण और सिमरन दोनों हंसने लगते हैं कि हम तो बस यार डिनर खाने आए हैं, तो सब हंसती मजाक करते हैं मस्ती करते हैं।
यहाँ किरण का जो बॉस होता है वो शैंपेन डालता है पर किरण नहीं लेती, और सिमरन गिलास ऐसे उठाती है जिससे किरण उसे घूरती है। सिमरन हंसने लगती है कि अरे मैं ये खुद के लिए नहीं उठा रही, मैं इनके लिए उठा रही हूँ। इतना बोल के वो अपने बॉस की वाइफ को दे देते हैं। वो दोनों ही एक एक दो दो घूंट पीते हैं शैंपेन के, पर सिमरन और किरण बिल्कुल भी नहीं पी रहे थे। जिस पर बॉस की वाइफ बोलती है क्या हुआ तुम दोनों पीते नहीं? किरण बोलती मैं पी लूँगी तो लड़की मेरी जान ना ले ले। जिस पर सिमरन के बॉस बोलते अरे कम ऑन सिमरन आज के दिन तो पी लो, इस बेचारी को भी पीने दो। सिमरन बोलती नहीं हम खराब आते नहीं डालते, शौक शौक में एक दफ़ा चखेंगे तो आदत पड़ जाएगी। और माँ हमेशा कहती है कि खराब आदत इतनी जल्दी नहीं छोड़ती, इसलिए आदत कभी लगाओ ही मत। जिस पर किरण कहती सुना आपने इस महाशय की बात है, इसी चक्कर में मैं भी कुछ नहीं पी पाती। सिमरन घूरती रहती पीनी है आपको? किरण बोलती नहीं 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 मुझे नहीं पीनी। तभी सिमरन की बॉस हंसने लगती है इन दोनों की हरकतों पर। सिमरन के बॉस जो है वो सॉन्ग प्ले करते हैं और अपनी वाइफ को डांस के लिए इन्वाइट करते हैं। तभी किरण भी सिमरन को डांस के लिए इन्वाइट करती है। तो ये दोनों कपल साथ में डांस कर रहे थे, बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। अब डांस करते हुए किरण पूछती है कि हमारी लव स्टोरी तो जान ली पर अपनी तो बता ही नहीं। तभी जो सिमरन के बॉस थे वो अपनी वाइफ को यूँ घुमा के अपने एकदम पास कर लेते हैं कि डांस से ही हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। सिमरन बोलती डांस से वो कैसे बोला? तभी सिमरन के बॉस जो है वो अपनी लव स्टोरी शेयर करते हुए कहते हैं कि मेरी फ्रेंड की शादी थी और मेरी फ्रेंड की शादी जिस लड़की से हो रही थी ये उसकी कज़न थी। हम लोग शादी पे ही मिले थे डांस फ्लोर पे, और डांस करते करते अचानक ही मुझसे टकरा गई थी और मैंने इससे डांस के लिए इन्वाइट कर लिया था। तभी पहली बार डांस पे ही हम दोनों की नज़रें मिली थी और बस उसके बाद मैं इस लड़की से नज़र कभी हटा ही नहीं पाया, पर इसे लगता है कि मेरी नज़रें इस पर नहीं हमेशा दूसरी लड़कियों पर होता है। कैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस हमेशा इसी को ही देखता रहता हूँ। इस पे बॉस की वाइफ तो काफ़ी ब्लश करने लगती है, अब ये सारे ही हंसने लगते हैं। काफ़ी देर साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद, मस्ती करने के बाद सिमरन और किरण अब कहते हैं कि चलो भाई अब हमें इजाज़त दो, बहुत रात हो गई है घर पे वहाँ वेट कर रही होंगी। तो सिमरन और किरण दोनों भाई बोलते हैं देन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सिमरन की बॉस की जो वाइफ थी वो बोलती है कि सच में तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। जिस पर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ के करीब आता है आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मेरी आंखों में खुद ही देख लो क्या दिखता है तुम्हें। और फिर यहाँ ये दोनों एक दूसरे को हद कर लेते हैं। सिमरन और किरण जब घर आते हैं तो किरण और सिमरन दोनों ही सबसे पहले माँ के रूम में जाते हैं। माँ सो रही थी, दोनों माँ को प्यार करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ाते हैं, एसी थोड़ा सा स्लो करते हैं क्योंकि माँ को ठंड लग रही थी। फिर ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ सिमरन और किरण सबसे पहले चेंज करते हैं। फिर बेड पे आते हैं, एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। किरण बोलती है कि हमारे बीच सब सही रहेगा या कुछ सालों के बाद हम भी एक दूसरे पे शक करने लगेंगे और बस लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। सिमरन बोलती जहाँ प्यार होता है वहाँ हमेशा शक होता है। किरण बोलती जहाँ प्यार होता है वहाँ जस भी तो हो सकता है ना। सिमरन बोलती हाँ लेकिन अगर शक नहीं है तो मतलब प्यार भी नहीं है। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना तो हमेशा आप डरते हो उससे दूर होने से, उसे खोने से। हमेशा आपके दिल में एक खौफ रहता है। अगर आपके दिल में किसी इंसान को खोने का वो खौफ ना हो ना तो ट्रस्ट मी आप उस इंसान से प्यार ही नहीं करते। किरण बोलती आप तो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हो। सिमरन बोलती ट्रस्ट करना अलग बात है और उस इंसान को खोने के डर से डर जाने एक अलग बात है। मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ पर आज भी मैं आपको खोने से डरती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मैं अपना जीवन इमेजिन में नहीं कर सकती। इस पे किरण मुस्कुराते हुए सिमरन के फरहट पे किस करती है कि आप मुझे इतना प्यार करती हूँ, ओह माय गॉड मैं सच में बहुत लकी हूँ। सिमरन बोलती यस यू आर। जिस पे किरण हंसने लगती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को सीने से लगा के लेटे रहते और रोमांटिक बातें करने लगते हैं। किरण बोलती वहाँ जाने के बाद क्या करोगी? सिमरन बोलती काम। किरण बोलती 24 घंटे इंसान काम थोड़ी करता है। सिमरन बोलती क्या करोगी? लड़कियाँ ताड़ूंगी। किरण बोलती हाँ जान ले लूँगी। सिमरन हंसती है कि मजाक कर रही हूँ आपसे बात करूँगी। किरण बोलती फ्री टाइम में? सिमरन बोलती हर टाइम आपको हमेशा कॉल पर रखूँगी। किरण बोलती और अगर ना रखा तो? सिमरन बोलती अरे रखूँगी बाबा। किरण बोलती कॉल पर रखना नहीं होगा बात भी करनी होगी। सिमरन बोलती डोंट वरी जाना आपसे बगैर बात के मेरा खुद का मन नहीं लगेगा। हाँ तो आपको कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी मुझसे बात करो क्योंकि मैं खुद ही आपसे बात क्या करूँगी। किरण बोलती वैसे ये तो है आप मेरे बिना आपका मन नहीं लगेगा आपके बिना मेरा नहीं लगेगा।
और फिर ये दोनों बातें करते करते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगले दिन किरण की माँ जब किरण और सिमरन को जगाने आती तो वो इन दोनों को देखती है, इन दोनों को देख के कहती हाय दोनों बहनों के ना कितना प्यार है, इनकी जोड़ी ऐसे ही भगवान सलामत रखे। यार माएँ भी ना मतलब दोनों को बहन ही बना देती है यार। तभी किरण की आँख खुल जाती कहती माँ आप, तो कहती बस देखने आई थी, तुम दोनों को जगाने आई थी, अपनी बहन को भी जगा दो और बाहर आ जाओ। किरण बोलती है बहन किसकी बहन कौन सी बहन, तो कहती सिमरन और कौन। किरण बोलती माँ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और माई सिस्टर, आपको पता है ना मुझे रिश्ते इस तरह बनाने बिल्कुल नहीं पसंद। जिस पर उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक है जगा दो सिमरन को बाहर आ जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया। किरण का मूड ऑफ हो जाता है सुबह सुबह। किरण बोलती उठिए मैडम, सिमरन बोलती दोनों आने बेबी क्या हुआ, खड़ूस के बन के बैठी हूँ क्या हो गया सुबह सुबह। किरण बोलती क्योंकि माँ ने आपको मेरी बहन बना दिया। सिमरन हंसते हुए कहती क्या बहन हम दोनों। किरण बोलती हाँ हम दोनों बहनें तो माँ भी ना। सिमरन बोलती अच्छा ना इट्स ओके, इसमें माँ की गलती नहीं है ना, उन्हें थोड़ी हमने बता रखे हमारे बारे में। किरण बोलते बता देंगे ना तब भी प्रॉब्लम होगी, तो जैसे चल रहा है ना मैडम चलने दो, उठो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। माँ ब्रेकफास्ट टेबल पर हमारा वेट कर रही है। सिमरन बोलती ठीक है, वैसे ना मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। किरण बोलती माँ बहुत डांटेंगी अब सोना नहीं है चलो। सिमरन बोलती ओके। सिमरन और किरण दोनों साथ में फ्रेश होने जाते हैं। सिमरन की आँखें अभी भी बंद थी, वो ब्रश कर रही थी, तभी किरण शरारत करते हुए सिमरन के ऊपर पानी डाल देती है। सिमरन बोलती आउच इतना ठंडा पानी है क्यों डाला मेरे ऊपर। किरण बोलती क्योंकि आपकी आँखें नहीं घूर रही थी, आँखें खोलो। सिमरन बोलती क्या है जी तो हूँ आँखें भी खोलो, मैं ब्रश भी कर रही हूँ अब क्या जाती हो। किरण बोलती सोई हुई हो आँखें बंद है अच्छे से खोलो। सिमरन बोलती खोल ली नहीं आ रही है ना क्या खेलूँ। किरण बोलती अब से ना हम जल्दी सो जाएंगे ताकि हम सुबह जल्दी जगें। उसके बाद ये दोनों जल्दी से चेंज करते हैं और बाहर आ जाते हैं। साथ में ब्रेकफास्ट खत्म होते ही सिमरन के मोबाइल पे कॉल आ जाती जो कि बॉस की ही थी। सिमरन कॉल पिक करते ही कहती बॉस मैंने पहले ही बोला था मैं ऑफिस नहीं आऊँगी अभी। उसके बॉस बोलते हैं अच्छा आज आ जाओ उसके बाद ना आना। सिमरन बोलती ना मैं एक मिनट के लिए ऑफिस ना आऊँ। तभी किरण मोबाइल लेती है कहती क्या बात करें कल ही हमारी डील हुई थी ना। उसके बॉस बोलते बस एक दिन के लिए उसे भेज दो कुछ इंपॉर्टेंट काम है उसके बाद चले जाएगी। किरण बोलती आपकी वाइफ ना आपको पक्का डिवोर्स दे देगी, एक मंथ के लिए जा रहे हो एक वीक तो अपनी वाइफ के साथ स्पेंड कर लो। जिस पर उसके बॉस बोलते अगर एक वीक अपनी वाइफ को दे दूंगा तो काम कौन करेगा, चलो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके पहुंचो ऑफिस में जल्दी से। किरण बोलती ओह आई हेट यू और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। सिमरन कहती बॉस भी ना। किरण बोलती तुम्हारे बॉस की ताज खैर नहीं देखो आज मैं इसके साथ क्या करती हूँ। सिमरन बोलती अरे अरे आराम से जॉब से मत निकलवा देना मुझे। किरण बोलती भाभी जी को कॉल करते हैं सवाल करो। सिमरन बोलती एक सेकंड आपके पास नंबर कहाँ से आया। किरण बोलती वो कल उन्होंने मुझे दिया था। किरण जल्दी कॉल करती है और उन्हें बातें लगाने लगती है कहती आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या है खुद तो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। सिमरन को भी मेरे साथ नहीं करने दे रहे ऑफिस बुलाया उसे, तो कहती कोई जरूरत नहीं है सिमरन को कहो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे खुद तो पड़ी नहीं है खुद तो अनरोमैटिक इंसान और आप लोग के बीच में भी गड़बड़ करवाएंगे मैं उससे बात कर लूँगी तुम लोग इंजॉय करो। किरण बोलती यस अब देखती हूँ। उसके प्राइम मिनिस्टर का कॉल गया अभी कॉल करके तुम्हें कहेगा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमरन बोलती मेरे बॉस हैं हो ही नहीं सकता अपनी वाइफ की बात भी नहीं मानेंगे काम के टाइम वो किसी के नहीं सुनते। तो भाई थोड़ी देर में सिमरन को कॉल आती है कहती देखा बॉस की कॉल है ऑफिस बुला रहे होंगे जल्दी। किरण बोलती कॉल तो अटेंड करो। सिमरन कॉल अटेंड करती है। सिमरन के बॉस बोलते हैं अच्छा सुनो वो तुम्हारे इस काम ना मैं दूसरे एम्प्लॉय से करवा लूँगा तो मैं आने की जरूरत नहीं है। सिमरन बोलती क्या 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 एक सही ना मुझे सुनाई नहीं दिया फिर से बोलना। सिमरन जल्दी से स्पीकर पर लगा दिया। सिमरन के बॉस बोलते हैं कान खराब है क्या मैंने बोला तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा काम कोई और भी कर सकता है तुम इंजॉय करो किरण के साथ। इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। सिमरन किरण को देखती थी क्या ये क्या था। किरण बोलती मैंने बोला था ना बेगम के आगे लड़कों की कभी नहीं चलती। सिमरन बोलती ओह माय गॉड मुझे पहले पता होता ना तो भाभी जी को पहले ही हम हाथ में कर लेते। उसके बाद क्या था ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का बाहर घूमने का प्लान था। सो गाइस इन लोगों का घूमना फिरना तो चलता ही रहेगा पर हम हमारी स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए पार्ट में। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।